आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। टोटल हमारा इसमें इस एक्सरसाइज में 16 एग्जांपल्स हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमको इसमें भी रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। बिल्कुल ये एग्जांपल नंबर 1 जैसा ही है, ठीक है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 में बताया था कि डिनोमिनेटर को मुझे रेशनलाइज करना है। तो ये लिखा मैंने 1/8 + 5√2। तो यहाँ पर +5√2 है, जो हम लोग जो दूसरा लेंगे वो क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो क्या कर रहे हैं अपन कि 8 - 5√2 से इसको ऊपर और नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई, और हमारा ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा यहाँ से, और इसको इजीली जो है हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना है, वहाँ पर रेशनल नंबर ही रखना है आपको डिनोमिनेटर में, हमेशा खासा ख्याल रखना आप। तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा हमारा कि ये a + b * a - b के फॉर्म में है, यानी कि 8 का स्क्वायर - b² बी हाँ के जगह पर क्या है हमारा 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। देन ऊपर जो है ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये एज इट इज हो जाएगा, यानी कि 8 - 5√2 ये हो गया हमारा, क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 8 - 5√2 को एज इट इज रहने देता हूँ, बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, तो ये लिख दे 64 - 5√2 का स्क्वायर। तो अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि 5√2 × 5√2, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 = 25, तो ये हो गया 25 × √2 × √2 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। तो 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि ये क्लियरली है कि यहाँ कितना आ रहा है हमारा, ये 50 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। चलिए ये हो गया हमारा, देन अब इसको जो है आगे इसको बस लिख दो माइनस करके, अपना काम हो जाएगा, यानी कि 8 - 5√2 / क्या हो जाएगा 64 - 50 जब करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 16। तो यही जो है डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया कि 8 - 5√2 / 16। अगर ये फर्दर ऊपर कॉमन लेने के बाद कटता उठता ना, तो फिर हम लोग काट के भी दिखाते। तो ये सिंपल, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, जब भी फ्रेशन लिखते हैं ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये अभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।